5 है हमारा फन विथ पेंट। इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे, इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे स्टार्टिंग पेंट, देन स्क्यूइंग एन इमेज, रोटेटिंग एन इमेज, क्रॉपिंग एन इमेज, कटिंग एंड पेस्टिंग, सेविंग एंड ड्रॉइंग, ओपनिंग एंड ओल्ड ड्रॉइंग, सेटिंग अ ड्रॉइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, रिसाइजिंग एन इमेज, फ्लिपिंग एन इमेज, जूमिंग एन इमेज एंड कॉपिंग एंड पेस्टिंग। ओके, ये सारे ऑप्शन हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। नाउ सी, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट पेंट इन द प्रीवियस क्लास। इट इज अ सिंपल प्रोग्राम फॉर पेंटिंग ऑन कंप्यूटर। विथ दिस प्रोग्राम यू कैन ड्रॉ एंड पेंट न्यू पिक्चर, व्यू एंड एडिट द स्कैन पिक्चर, सेट योर पिक्चर्स एज ए वॉल पेपर। लेट्स लर्न मोर अबाउट पेंट। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। ओके, नाउ स्टार्टिंग पेंट। पेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं? टू स्टार्ट पेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, उसमें से क्लिक ऑन एसेसरीज एंड क्लिक ऑन पेंट। कैसे स्टार्ट करना है हमें? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में से ऑल प्रोग्राम और उसमें से एसेसरीज और फिर उसमें से पेंट। ये उसके स्टेप्स है। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं पेंट ब्रश। नाउ दिस इज द स्क्रीन ऑफ पेंट ब्रश। आपको दिख रही है ना अच्छे से? दिस इज द स्क्रीन ऑफ पेंट ब्रश। द पेंट विंडो इज डिस्प्लेड, लुक एट द पेंट विंडो शोन बिलो। ये है पेंट विंडो। ओके, नाउ सी, डू यू रिमेम्बर ऑल दिस कंपोनेंट्स ऑफ द पेंट विंडो? जस्ट ट्राई टू रिकॉल देम। लेट अस रिकॉल सम टूल्स एंड शेप्स एंड देयर फंक्शंस। देखो, हमने पहले कई बार पेंट ब्रश लर्न किया है, तो आपको क्या ये सारे मेनू और ये सारे ऑप्शंस याद है? लेट सी, याद नहीं है तो हम फिर से सारे टूल्स याद करते हैं। ओके, मैं आपको एक एक करके सारे टूल्स के नाम और उसके यूज बताऊंगी। ओके, नाउ सी, दिस फर्स्ट वन इज, ये पेंसिल जैसा दिख रहा है, दिस इज अ पेंसिल टूल। ये कौन सा टूल है? पेंसिल टूल। ओके, दिस इज पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से क्या होता है? दिस टूल इज यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्रॉइंग। पेंसिल टूल से क्या होता है? आप फ्री हैंड ड्रॉइंग मतलब आपको जैसे मन पड़े वैसे ड्रॉइंग कर सकते हो। कुछ टूल्स का क्या होता है, उसमें फिक्स होता है कि आप इससे राउंड ही बना सकते हो, स्क्वेयर ही बना सकते हो, कोई स्टार या कोई शेप ही ड्रॉ कर सकते हो। बट पेंसिल टूल क्या करता है? पेंसिल टूल से आप आपकी मर्जी पड़े वैसे आप उसमें बना सकते हो ड्रॉइंग। ओके, देन देयर इज अ इरेजर टूल। This tool is used to erase, remove the full the drawing, text or shapes. Erase tool क्या करता है? जो भी हम drawing करते हैं उसको erase करना हो, remove करना हो, then we use erase tool. Now next is fill with color tool. ये bucket जैसा symbol दिख रहा है ना आपको? This is a fill with color tool. इस tool का नाम क्या है? Fill with color टूल। दिस टूल इज यूज टू फिल कलर इन अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर मतलब कोई ऐसे शेप की जो स्टार्ट और एंड हो गए हैं। ओके, बंद है शेप जिसका उसके अंदर जिसके अंदर फिल करना, अगर कहीं से भी साइड से खुला है शेप कोई भी, तो उसके अंदर आप फिल कलर से कलर करोगे तो कलर बाहर निकल जाएगा। ओके, तो फिल कलर से क्या करेंगे? जो क्लोज्ड फिगर होते हैं, क्लोज्ड शेप होते हैं, उसके अंदर आप फिल कलर से कलर कर सकते हो। Now, text tool. This tool is used to write in paint. Text tool से क्या होता है? अगर हमने drawing की है, drawing के अंदर हमें नाम लिखना है या तो उस drawing से related कुछ भी लिखना है, तो हमें text tool का use करना पड़ता है। जैसे Microsoft Word में direct हम type करते हैं, वैसे direct type हम यहाँ पे paint brush में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमें type करने के लिए क्या चाहिए? टेक्स्ट टूल चाहिए। टेक्स्ट टूल से हम ड्रॉ करेंगे बॉक्स और उसके अंदर हम टाइप करेंगे। ओके, नाउ ब्रश टूल। दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ एनीथिंग विथ अ फ्री हैंड मूवमेंट। द ब्रश टूल हैज डिफरेंट थिकनेस ऑप्शंस।
वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द ब्रश. ये जो ब्रश टूल है ना, जैसे हमारे पेंट ब्रश का ब्रश होता है, ये वैसे ही है. आप उससे ड्रॉ कर सकते हो, उसको आप जैसे मूव करना है वैसे मूव कर सकते हो, और उसकी थिकनेस होती है अलग अलग, है ना. थोड़ा मोटी साइज का होता है, थोड़ा थिक होता है, थोड़ा पतला होता है. तो आपको जैसे भी उसकी थिकनेस रखनी होती है, वैसे आप उसको अच्छे से थिकनेस उसकी बढ़ा के आप उसको अपने ड्रॉइंग में यूज़ कर सकते हो. देन लाइन शेप. This shape is used to draw line in any direction from top to bottom or left to right. जहीं कहीं पे भी आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़े तब आप क्या यूज करोगे, लाइन शेप यूज करोगे. लाइन शेप की विथ भी आप बढ़ा सकते हो, उसकी थिक करनी है, थिन करनी है, डार्क करनी है, वैसी लाइन्स आप इसमें से लाइन शेप के भी स्टाइल चेंज कर सकते हो. ओके, तो ये हो गया हमारा लाइन शेप. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल शेप. रेक्टेंगल शेप से क्या होगा, अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना हो या रेक्टेंगल शेप करना हो ड्रॉ, तो आप यहाँ से कर सकते हो. दिस शेप इज यूज टू ड्रॉ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स ऑफ अ डिफरेंट साइज. आपको स्क्वायर ड्रॉ करना हो तो भी कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो तब भी कर सकते हो ये टूल का यूज करके. ओके, एंड वॉट इज द नेम ऑफ दिस टूल, दिस इज अ रेक्टेंगल टूल. ओके, Now, oval shape. This shape is used to draw ovals or circles of different size. A circle is absolutely round, but an oval is egg-shaped. See, आप इससे सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, ओवल भी ड्रॉ कर सकते हो. बट सर्कल ड्रॉ करने के लिए अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके रखोगे तो परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होगा. ओके, और ओवल कैसा होता है, उसका शेप थोड़ा एग जैसा होता है, थोड़ा, है ना. तो वो ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो. बट सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ करना हो तो कंट्रोल की प्रेस करके रखोगे और माउस को ड्रैग करोगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा. ओके, नाउ पॉलीगॉन शेप. दिस शेप इज यूज्ड टू ड्रॉ अ क्लोज्ड शेप विथ स्ट्रेट लाइंस. पॉलीगॉन शेप से क्या होता है, आप, है ना, पॉइंट्स कनेक्ट कर सकते हो. कोई भी शेप आपको ड्रॉ करना है ना, तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, लाइन ड्रॉ होगी उससे, और लास्ट में जहाँ पर एंड करना है उसको आपको स्टार्टिंग पॉइंट के साथ मैच करना पड़ता है, क्योंकि वो लाइन लास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जाके मिल जाती है. तो पॉलीगॉन शेप से आप ऐसे शेप्स कर सकते हो ड्रॉ, बट उसके एंगल्स लास्ट में क्लोज हो जाने चाहिए. ओके, नाउ कर्व शेप. This shape is used to draw curved line. Now we will study about some more features. See, curve shape से क्या होता है, curve shape से आप curvy line draw कर सकते हो. देखो यहाँ पे line tool है, rounded rectangle, rectangle tool है, फिर यहाँ पे सारे अलग अलग options है. तो आप इसमें curve line draw करना हो, smile बनानी हो, तो pencil से तो बना ही सकते हो, but curve tool का use करके straight curve line भी बना सकते हो. मैं शायद यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल रह गया है, राउंडेड रेक्टेंगल शेप. दिस शेप इज यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स विथ राउंडेड कॉर्नर्स. राउंडेड रेक्टेंगल से क्या होता है, आप राउंडेड स्क्वायर्स के कॉर्नर नहीं होते हैं. राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो ना तो उसमें क्या होता है, कॉर्नर नहीं होते, विदाउट कॉर्नर और राउंड कॉर्नर वाला शेप बन जाता है. सो दैट इज राउंडेड रेक्टेंगल शेप. ये रेक्टेंगल शेप जैसा ही है, बस विदाउट कॉर्नर. ओके, ये हो गए हमारे सारे टूल्स. आई होप कि आपको सारे टूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं. मैं अब आपको इसके बाद के वीडियो में अच्छे से सारे टूल्स के यूज़ दिखाऊंगी कि कौन से टूल्स से हम क्या कर सकते हैं. ओके, सारे टूल्स का यूज़ सिखाऊंगी मैं आपको. अभी थोड़े दिखा देती हूँ, थोड़े बाकी के मैं बाद में दिखाऊंगी. एक मिनट. हाँ, देखो ये सारे टूल्स हमने दिखे. ये पेंसिल, पेंसिल हो रहा है यहाँ पे. पेंसिल की विथ करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, साइज में क्लिक करके. डन. ओके, ये हो गया हमारा पेंसिल टूल. ओके, देन दिस इज अ बकेट टूल. अब देखो बकेट टूल का यूज क्या करना है. पहले मैं पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, अब मैं यहाँ पे बकेट टूल से यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो देखो कलर बाहर निकल गया.
क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पे ओपन है, तो ओपन पोर्शन में अगर आप कलर यहाँ पे करोगे तो ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो फिल बकेट का यूज़ कहाँ पे होता है? जब भी कोई क्लोज शेप होता है, जैसे कि ये सर्कल क्लोज है, कोई भी क्लोज शेप होता है उसके अंदर कलर करते हैं ना, तो कलर बाहर नहीं निकलता है, ये है क्लोज शेप का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इरेजर। कुछ भी ड्रॉ करने के बाद इरेजर, इरेजर की साइज कंट्रोल प्लस से उसकी साइज बड़ी होती है, कंट्रोल माइनस से उसकी साइज छोटी होती है। हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस करके उसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो साइज बड़ी होगी, माइनस करेंगे तो साइज छोटी होगी। ओके, हो रहा है, बस इतना तक हो रहा है, डन। ये हो गया मेरा इरेजर। नाउ दिस वन इज फिल कलर। फिल कलर से क्या होता है? पिक कलर में आपको बाद में दिखाती हूँ पिक कलर से क्या होता है। देन ये है ब्रश टूल। ब्रश टूल की यहाँ पे इतने सारे डिफरेंस पॉइंटर हैं, जैसे हमारे ब्रश टूल में आता है ना पेंट ब्रश के साथ थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का ब्रश, वैसे ये सारे डिफरेंट डिफरेंट है। आप सारे एक बार देख कर लेना कौन से क्या हो रहा है। डन, सी, देखो हो रहे हैं सारे ब्रश टूल के अलग अलग ऑप्शन, आप सारे एक बार चेक कर लेना। डन, ये है राउंडेड रेक्टेंगल, सॉरी ये है राउंड ओवल शेप, फिर ये स्क्वायर। ओके, ये सारे ऑप्शन आप देख लेना, अपने आप ड्राइंग करके सारे चेक कर लेना। देखो ये पॉलीगन, पॉलीगन से क्या होता है, हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना वहाँ पे फिर लाइन अपने आप मैच हो जाती है, हम सिर्फ क्लिक ही कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कोई भी शेप बन जाता है। आपको स्टार बनाना हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है, एक क्लिक यहाँ के यहाँ पे एक बार ड्रॉ किया, फिर एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे और एक क्लिक ऐसे, ये अपने आप स्टार बन जाता है, पॉइंट्स अपने आप मैच कर देते हैं। ओके, ये सारे के सारे ऑप्शंस, ये यहाँ पे कलर्स है, ये यहाँ पे लाइंस भी थे, आप कोई भी शेप ड्रॉ कर रहे हो उसकी लाइन और आपको यहाँ से आप उसकी कर सकते हो विथ। ओके, कलर चेंज कर सकते हो। हमारा पेज नंबर 48 में ऑप्शन है रिसाइजिंग एंड इमेज। इमेज को रिसाइज करना हो तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, हम उसमें से देखते जाएंगे। ओके, पहले मैं एक ड्राइंग कर लेती हूँ यहाँ पे, इसमें जो टेक्स्ट बुक में किया है वही ड्राइंग कर लेते हैं। एक्चुअली मैं जूम निकाल देती हूँ क्योंकि इससे पिक्चर खराब दिख रहा है ना। ओके, ठीक है, देखो ये मैंने एक ड्राइंग किया यहाँ पे स्माइली। ओके, अब इसकी आईज बनाएंगे, दो सर्कल, एक सर्कल इसकी कॉपी चाहिए तो क्या करेंगे, इसको कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, दो आईज बन गई, एक आईज को यहाँ देखो, ये बीच में आप देख रहे हो पीछे व्हाइट एरिया भी आ रहा है। अगर आपको ये व्हाइट एरिया नहीं लेना है तो सिलेक्ट टूल में से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लेंगे। कौन सा लेंगे? सिलेक्ट टूल में से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ओके, अब इसको हम यहाँ पे आईज को लगा देंगे अच्छे से। डन, अभी स्माइली बनाने के लिए कर्व टूल का यूज करेंगे, तो पहले एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कर्व टूल से शिफ्ट को प्रेस करके। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में से क्लिक करके ऐसे, और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, खास ध्यान रखना है, जब भी क्लिक आप छोड़ोगे, ओके, रिलीज करोगे तो क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। डन, ये हो गई हमारी स्माइल। स्माइल को वापस से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, बहुत बड़ी हो गई, डिलीट करके वापस बनाते हैं छोटे स्माइल। ओके, इतनी सी, डन, शिफ्ट करके यहाँ सेंटर में से अब इसको, सॉरी ये लाइन टूल था, कर्व टूल लेंगे, शिफ्ट से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर सेंटर में से क्लिक करके ऐसे टू टाइम क्लिक करके इसको रिलीज कर देंगे। वापस से सिलेक्ट टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्माइल लगा देंगे। डन, ये हो गया स्माइल। इसको कलर कर देते हैं फिल कलर से, कोई भी अच्छा सा कलर। डन, ओके, ये हो गया हमारा ड्राइंग। अब क्या करना है, हमें इसको रिसाइज करना है, तो कहाँ जाएंगे, होम टैब में से सिलेक्ट रेक्टेंगुलर शेप और फिर जाएंगे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हॉरिजॉन्टल वैल्यू एंड वर्टिकल वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में दिखाया गया है, मैं आपको सिंपल दिखा देती हूँ। क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे ड्राइंग को। ओके,
अब ये रिसाइज ऑप्शन है ना, उसमें जाएंगे और उसमें ये ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल साइज बढ़ानी है आपको कि वर्टिकल, ऐसे पिक्चर बड़ा करना है ऐसे करना है। ओके यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे, अभी ये 100 है ओके, तो इसको 150 कर देंगे। देखो ड्राइंग बड़ी हो गई ओके, स्मॉल करनी है तो 100 से नीचे करते जाएंगे। देखो हो रही है 90, अभी और बड़ी और छोटी करनी है इसको वापस से। डन, आपको जितने पॉइंट्स इसको छोटा करना है उतने पॉइंट्स आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं 90-90 कर रही हूँ, एक साथ ज्यादा कर देना है 50 कर दूंगी तो बहुत स्मॉल हो जाएगा। देखो हो रहा है, ये हो गया हमारा रिसाइज ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज स्क्यूइंग एन इमेज। स्क्यूइंग मतलब थोड़ा उसको स्लांट करना, स्क्यूइंग मतलब स्लांट करना। ओके नाउ सी, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ ओके, अभी मैं यहाँ पे रिसाइज में जा रही हूँ, उसमें स्क्यू ऑप्शन। स्क्यू में आप यहाँ पे अपने नंबर्स डाल सकते हो कि आपको उसको कितने पॉइंट तक करना है। आप उसमें 0 से 89 तक के पॉइंट उसको डाल सकते हो, 0 से 89 ओके। मैं अभी 15 डाल रही हूँ सिर्फ। देखो क्या हुआ, कट हो गया। आप है ना सिलेक्ट थोड़ा बड़ा करना, स्पेस ज्यादा देना उसको ओके। चलो अभी करते हैं रिसाइज 15। देखो थोड़ा स्लैंट हो गया ओके, वापस से करती हूँ और 15। देखो हो रहा है स्माइल, स्लांट हो रही है। ये ज्यादा ऑप्शन है ना, आपको स्क्वायर में समझ में आएगा। देखो स्क्वायर में करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर करती हूँ, इसमें करके देखते हैं। देखो अब इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसको स्क्यू करते हैं। रिसाइज में जाके स्क्यू 15 पॉइंट स्क्यू कर रही हूँ। देखो आ रहा है समझ में क्या हो रहा है, थोड़ा स्लांट, वो अपने आप थोड़ा स्लांटिंग होता जाता है जितने पॉइंट्स है ना उतने पॉइंट्स है। आप यहाँ पे 89 तक के पॉइंट्स डाल सकते हो। डन, ये हो गया स्क्यू। नेक्स्ट इज फ्लिपिंग एन इमेज। फ्लिपिंग एन इमेज मतलब इमेज को फ्लिप करना ओके। तो फ्लिप करने के लिए भी हम कुछ ड्रॉ करके रखेंगे। चलो ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, ये स्माइली है अभी। चलो इसको फ्लिप करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं ओके। अब जाएंगे हम रोटेट में और ये फ्लिप, रोटेट बाय 90 डिग्री, रोटेट बाय 90 डिग्री लेफ्ट राइट 180 180 मतलब पूरा उल्टा ओके। लेट सी, देखो आप ऐसे देखते जाओ, फ्लिप वर्टिकल, क्या हो रहा है स्माइल उल्टी हो गई, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये इसमें नहीं समझ में आएगा, एक मिनट रुको। देखो ये एक मैंने पेटल जैसा ड्रॉ करके रखा है ओके। अब मुझे इसको रोटेट करना है, इसमें ज्यादा पता चलेगा। देखो अभी इसका साइड इस साइड है, अब मैं इसको रोटेट 90 डिग्री करती हूँ तो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। वापस से रोटेट 90 डिग्री करती हूँ राइट साइड से, देखो कैसे हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है ओके। 180 करती हूँ तो सीधा हो जाएगा ऐसे। अब आप चाहो तो इसका पेटल बना सकते हो, इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसको रोटेट 180 कर देती हूँ। देखो फ्लावर पेटल बन गया ओके। नाउ ये था हमारा रोटेट। रोटेट 180 डिग्री। अब इसको वापस से यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया, अब दोनों को सिलेक्ट करते हैं। देखो डन, अब इसको रोटेट करती हूँ 90 डिग्री। क्लियर, बन गया एक पैटर्न। ऐसे आप रोटेट का यूज करके पैटर्न बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्लिपिंग एंड रोटेट, दोनों हो गया, मैंने दोनों करवा दिया आपको, रोटेट भी करवा दिया। नाउ नेक्स्ट इज जूमिंग एन इमेज। इमेज को जूम करना हो तो ये तो जूम तो यहीं पे ऑप्शन है, आपको क्या करोगे इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जूम पे क्लिक करोगे। देखो हो रहा है जूम, वापस से मिनिमाइज करना हो तो क्या करोगे, अब ये तो जूम हो गया। क्लियर, जूम इन जूम आउट।
देखो ये हो रहा है जूम। आप यहाँ नीचे से भी कर सकते हो, 200% है तो यहाँ पे 100% ज्यादा जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। ओके ये हो गया जूम इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉपिंग एन इमेज, कॉपिंग एंड पेस्ट, कटिंग एंड पेस्ट। चलो क्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, सपोज ये स्माइल है उसको मुझे हाफ को कट कर देनी है। ओके तो क्रॉप टूल सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट करते हैं। ओके अब क्रॉप टूल लेंगे, क्रॉप सिलेक्ट करेंगे तो जितना हम सिलेक्ट करते हैं उतना क्रॉप हो जाता है। मैं क्या करूंगी, मैं हाफ ही सिलेक्ट करूंगी, सपोज इतना ही सिलेक्ट करती हूँ। ओके अब इसको मुझे क्रॉप कर देना है हाफ पार्ट को, जितना सिलेक्ट रहेगा ना उतना रहेगा, बाकी का सारा कट हो जाएगा। जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया होगा उतना रहेगा, बाकी का सारा क्रॉप हो जाएगा। क्लियर? सपोज मैं इसमें से सिर्फ इतना पार्ट सिलेक्ट कर रही हूँ तो इतना रहेगा, बाकी का सारा कट हो जाएगा। डन, सिलेक्टेड पार्ट रहेगा, जो सिलेक्ट नहीं है वो सारा डिलीट हो जाएगा। ओके ये है हमारा क्रॉप। नाउ कॉपिंग एंड पेस्टिंग, अब मुझे इसकी और कॉपी करनी है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अब इसका कॉपी पेस्ट से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके या तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो, कॉपी और पेस्ट पे, या तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। डन, क्या करना है सिर्फ आपको, पहले सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल वी करना है। डन ये हो गया कॉपी पेस्ट। डन ऐसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको जो भी कुछ करना हो ऐसे। डन सी, ऐसे कुछ भी पैटर्न्स आप बना सकते हो। डन ये हो गया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यानी कि कॉपिंग एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट से आपको पता ही है कि कॉपी से उसकी मल्टीपल कॉपी हो जाती है, ओरिजिनल प्लेस पे भी रहता है और नई प्लेस पे भी रहता है। बट कट से क्या होता है, कट से ओरिजिनल प्लेस से गायब हो जाता है और जो हमारी नई प्लेस है वहां पे रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्माइली है, ये मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है। मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल एक्स। ओके कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल वी, तो आ गया यहाँ पे कंट्रोल वी। कंट्रोल वी कट से क्या होता है, कट से ओरिजिनल प्लेस से गायब हो जाता है और न्यू प्लेस पे आ जाता है। डन, तो ये था हमारा कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज सेविंग द ड्रॉइंग। चलो अब इसको सेव कर, अब मैं ये वाला इरेज कर दूं। ओके इसको एक बार रोटेट कर देती हूँ। ओके अभी स्माइली हो गई, ये वाला इरेज कर देती हूँ मैं अभी। कंट्रोल प्लस से बड़ी करेंगे साइज, पूरा एक साथ डिलीट करना हो तो कंट्रोल ए करके डिलीट कर सकते हो, कंट्रोल ए और फिर डिलीट, कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके अब क्या करना है मुझे, इसको सेव करना है तो फाइल मेनू में जाके सेव। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगी और इसका नाम दे दूंगी थर्ड पेंट। थर्ड पेंट मैंने नाम दे दिया। ओके डेस्कटॉप पे देखो ये फाइल मैं बंद कर देती हूँ, तो ये है थर्ड पेंट। खुल गया। ओके मैं वापस से पेंट ब्रश में जाती हूँ। ओके उसको फाइल को वहां पे ओपन करती हूँ। क्या नाम था, डेस्कटॉप पे था और उसका नाम था थर्ड पेंट। आ गया ये। ओके अब क्या करना है हमें, इसको सेव भी हो गया ओपन भी हो गया। ओके अब हम क्या करेंगे, इसको ड्राइंग को बैकग्राउंड में सेट करेंगे। अभी देखो मेरे बैकग्राउंड में क्या है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। ओके इसको बैकग्राउंड में सेट करना हो तो कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द पेंट बटन सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। चलो पेंट बटन पे क्लिक करेंगे और इसको सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड करेंगे। आप लोग फाइल मेनू में जाना, फाइल मेनू में जाके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। कहाँ पे जाएंगे, फाइल मेनू में, उसमें ये एक ऑप्शन है फिल टाइल सेंटर। फिल करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, देखो फिल किया तो वो ऑटोमेटिक जहां पे सेट होता है वहां पे अपने आप हो गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले अच्छे से अरेंज कर देते हैं। ओके इसको साइड में लेके ऐसे नहीं रखना है, सिलेक्ट करते हैं
ओके ऐसे, और यहाँ पे ये दोनों स्क्रॉल बार को मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे एक स्क्वायर दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। ऐसे करने से क्या होगा कि जो बाकी का ब्लैंक एरिया है ना वो सारा कट हो जाएगा। देखो हो गया, ओके आप चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो, सारा क्रॉप करोगे तो भी यही होगा, ये सारा आ गया। अब मैं इसको फाइल में सेट एज बैकग्राउंड टाइल कर देती हूँ। ओके नाउ सी, देखो क्या हुआ, टाइल करने से हमारे घर पे जैसे टाइल्स होते हैं ना वैसे आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट है सेट एज बैकग्राउंड, सेट एज बैकग्राउंड सेंटर, सेंटर मतलब सिर्फ सेंटर में एक, देखो आ गया। ऐसे आप अपनी कोई भी ड्राइंग बना सकते हो, उसको ऐसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो।